उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद से बड़ी खबर सामने है। यहां कथा का प्रसाद खाने से कई बच्चों सहित 21 लोगों की हालत बिगड़ गई, सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक छिबरामऊ के जयसिंहपुर में कथा के बाद भंडारा चल रहा था। सोमवार शाम को भंडारे का प्रसाद खाने के बाद कई लोगों को पेट दर्द की शिकायत होने लगी, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव के युवक ने बताया कि उनके चाचा ने कथा कराई थी, प्रसाद में गाय के दूध से बना चरणामृत डाला गया, लेकिन प्रसाद खाने के बाद कुछ लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई। चाचा का नाम है कौशल, उन्होंने कथा करवाई थी तो उसमें गाय अपनी गाय के दूध का चंद्रामित्र बनवाया, तो चंद्रामित्र में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, सारे लोगों ने जिन लोगों ने चंद्रामित्र किया उसको बहुत दिक्कत हो गई, उनके पेट में जलन हो रही है, उल्टी आ रही है। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, जिसने किया उसको उसको 3-4 घंटे के बाद उसका पेट में दर्द होने लगा और उनके चाचा का भी थे उनको सबसे पहले उन्हीं लोगों को। डॉक्टर हबीब खान ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के बाद 8 बच्चों समेत 20 लोगों को अस्पताल लाया गया, अब उनकी स्थिति सामान्य है। जयसिंहपुर में कोई प्रोग्राम था जिसमें खाने पीने का इंतजाम था, जहां पर फूड पॉइजनिंग हो गया, तो उसमें करीब 8 बच्चे हैं और बाकी सारे एडल्ट, अभी सारे सामान्य स्थिति में, किसी को यहां से रेफर नहीं किया। कितने लोग करीब मरीज आए हुए हैं अस्पताल में? 21 मरीज आए हैं। स्थिति कैसी है हालत? स्थिति सबकी अभी सामान्य है, अभी किसी ने यहाँ से रेफर नहीं किया। प्रसाद खाने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की हालत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया, हालांकि अब कई लोगों की स्थिति ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, कन्नौज।